नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव, मेरे साथ और मैं हूं अनुराग मिश्रा। 4 फरवरी 1922 की घटना आपको याद दिलाना चाहेंगे। यह घटना इतिहास के क्रम में चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। आज 99 वर्ष बाद यह एक शताब्दी वर्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सर्वोदय मनाया जा रहा है। सीधा सवाल, हम बात करेंगे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में शताब्दी वर्ष में मनाया जाने वाला यह घटनाक्रम बहुत विवादों में घिर गया है। सीधे बात करेंगे हम पटना नगर पालिका चेयरमैन विनय जसवाल से, काफ़ी सवालों के जवाब हमसे लेंगे और जानेंगे कि यह घटनाक्रम किस तरीके का था और यह विवाद क्यों नहीं सुलझ रहा है। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। एक मिनट, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि 22 फरवरी की घटना जो 4 फरवरी चोरी चौरा कांड के नाम से घटित हुआ, उसमें गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन वापस भी ले लिया गया, इसमें इतने वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, क्या आपका कहना है? देखिए, ऐसा नहीं है, जो आज़ादी हमको मिली है ऐसा नहीं है कि केवल हमको क्या नाम है शांतिपूर्ण तरीके से ही हमको आज़ादी मिल गई। इसके लिए हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे मंगल पांडे, ऐसे तमाम हमने क्रांतिकारियों को खोया है। और निश्चित तौर पे अगर नरम दल की आवश्यकता थी इस देश को आज़ाद कराने के लिए, तो गर्म दल की भी आवश्यकता थी। जो 4 फरवरी जो चोरी चौरा कांड था, निश्चित तौर पे क्रांतिकारियों का मनोबल बढ़ाने वाला एक कार्य था। ये केवल यही नहीं था कि थाने को फूंक दिया गया, थाने को जला दिया गया, कोटि कोटि भारतीयों के मन में एक भावना जागृत हुई कि हमको अपने इस देश को आज़ाद कराने के लिए आवश्यकता है। और उसके लिए जो 4 फरवरी का जो यह चोरी चौरा कांड था, उसने हमारे क्रांतिकारियों का मनोबल बहुत बढ़ाया था और उसी का देन है, विवादों में घिर सकता है। देखिए, कुछ सरकारें जो है कुछ करा, बड़ा विवाद इस पे है कि पिछली कांग्रेस सरकार ये कहती है कि 1924 में जो उनके अफसर थे विलियम मॉरिस ने, उन्होंने शताब्दी इसको एक शहीद स्मारक बनाया था पुलिस स्टेशन में, जो 23 लोग मारे गए थे। कांग्रेस में उस पर समर्थन किया, कांग्रेस कभी उसका विरोध नहीं किया। आपकी सरकार लगातार इन मुद्दों पर काम कर रही है, जो पिछले ऐसे घटनाक्रम हैं जो विवादों में रहे हैं, जैसे चाहे उसमें राम मंदिर जोड़ लें, चाहे यह घटनाक्रम जोड़ लें, चाहे और भी अन्य घटनाक्रम जोड़ा देखा जाए, तो सिर्फ विवादों को सही करने का काम आपकी सरकार ने सुलझाया? नहीं, विवाद नहीं, पूर्व की सरकारें जो थी वो मानसिकता से पीड़ित थी। मुझे तो लग रहा है कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है, और जो इतिहास में हमें पढ़ाया गया कि अकबर महान है, जबकि महान महाराणा प्रताप थे, हमारे देश के उन क्रांतिकारियों के बारे में कभी नहीं बताया गया, कभी नहीं पढ़ाया गया। तो जो हमारे बच्चे पढ़े वही जाने। और आज जब हमारे इतिहास को पूरे तरीके से, सही तरीके से इतिहास का व्याख्यान किया जा रहा है, NCERT चेंज करके, अभी आपने देखा होगा कि नई शिक्षा नीति आई है, और नई शिक्षा नीति के तहत अब हम अपने उन पूर्वजों का, जिनका हमारे जीवन में आदिकाल से बड़ा महत्व रहा है, क्योंकि जो इतिहासकार रहे वो कहीं ना कहीं से कम्युनिस्ट रहे या अन्य सरकारों के रहे, जिन्होंने इतिहास को सही तरीके से उसका व्याख्यान नहीं किया, अब सही इतिहास जो है वो बताया जा रहा है। और उसी के क्रम में, चूँकि पूर्व की सरकारें थी उनको मतलब केवल घोटाले से था, देश के विकास से कोई मतलब नहीं था। उन महापुरुषों ने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनका कभी व्याख्यान नहीं किया गया, उनका कभी मान सम्मान नहीं किया गया। और अगर ये सरकार जो हमारे अमर शहीद हैं, जो हमारे सच्चे सपूत हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, अगर उनको अगर सम्मान दे रहा है और चौरा चोरी शताब्दी समारोह पूरे वर्ष मनाने का अगर निर्णय लिया है, तो उस पर इन लोगों को दर्द हो रहा है, क्योंकि ये तो करते कुछ है नहीं। और एक व्यक्ति अगर अपने देश के मान सम्मान को बढ़ाने का कार्य अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी अगर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो हमारी पुरानी विरासत थी, जो हमारी संस्कृति थी, उसको फिर से समाज के पटल पर लाने का कार्य अगर कर रहे हैं, तो इन लोगों को कष्ट हो रहा है, इन लोगों को दर्द हो रहा है। और कोई विवाद नहीं है, किसी भी कार्य के लिए, जैसे अगर देश को ही आज़ाद कराना था तो ठीक है, नरम दल की आवश्यकता थी, हम लोग बहुत असहयोग आंदोलन के माध्यम से, अन्य भी माध्यम से कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जलियांवाला बाग कांड हो गया,
जहां हम नरम दुहल थे वहां हम मारे जाते थे, और निश्चित तौर पे आज़ादी जैसी चीज ऐसे ही थोड़ा ना कैसे ले लिया जाएगा। उसके लिए हजारों हमारी जो बहनें थीं उनके मांग के सिंदूर उड़ गए, जो हमारी माताएं थीं उनकी गोदे सुनी हो गई, हमारे बहनों के भाई बिछड़ गए, मर गए, शहीद हो गए, लेकिन उनको कभी मान सम्मान नहीं मिला। मुझे लगता है कि यह पहली सरकार है, और मैं तो 135 करोड़ पूरे देशवासियों के तरफ से इतना बड़ा कार्यक्रम जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने जो अपने देश और प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो यह कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पे इसमें 100 में 200 अंक इस देश की 135 करोड़ जनता देना चाहती है। जहाँ तक आपने कहा राम मंदिर का मुद्दा, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारा धर्म है जिस पर लेकर हम जिंदा हैं आज, और उसमें तो हमने कुछ किया नहीं, वो तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो कांग्रेस को इसमें भी कष्ट हो रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे लगता है कि यह देश की पहली चुनी हुई सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में चल रही है। मुझे लग रहा है कि फिर से इस देश का मान सम्मान, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता जो हमारा पुराना था, वो पूरे तरीके से फिर से वापस आ रहा है, और पूरे देश में राम राज्य की स्थापना का जो एक हम लोगों का होता था कि राम राज्य स्थापित होता, वर्षों बाद वो दिखाई दे रहा है, और साक्षात राम राज्य इस समय स्थापित हो रहा है। और इसमें अगर किसी को कष्ट है तो कष्ट लेके घूमते रहें। देश की पूरी जनता आप जान चुकी है कि आज जो भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो विकास के कार्य हों, चाहे धार्मिक मुद्दे के कार्यक्रम हो, चाहे हमारे देश के क्रांतिकारियों के कार्यक्रम हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के ये सरकार हिस्सा ले रही है। और हमारे वो लोग जिनको कांग्रेस के 65 साल के इस शासन में एक तरह से उनको गुम कर दिया गया था, उनको समाप्त कर दिया गया था, उनको फिर से समाज के पटल पर लाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी इस देश के एक और बताना चाहूँगा, मीडिया रिपोर्ट से यह सामने आया, एक रिपोर्ट आया है कि अभी अगर आम चुनाव होते हैं तो तत्काल में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बन जाएगी, और पूर्ण बहुमत से जो है मोदी जी जो है फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इस पर क्या कहना है आपका? भाई देखिए, ये तो ऐसे कोरोना काल में जनता आपके ऊपर विश्वास कर रही है, ऐसे संकट में देश जो है मोदी जी पर विश्वास करता है, तो उसमें आपने भारतीय जनता पार्टी सरकार ने खुद वैक्सीनेशन बनाई भारत सरकार ने, और उस वैक्सीनेशन में पूरा विश्व समर्थन दे रहा है, फिर भी विपक्ष इस पर जो है आड़े ले रहा है उसको। देखिए, विपक्ष का काम ही ये करना। अभी आप वैश्विक महामारी कोरोना को ले लीजिए, जिस तरह से इस देश की आबादी 135 करोड़ है, और जिस तरह से महामारी फैली हुई थी, अगर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उचित समय पर निर्णय लेकर लॉकडाउन नहीं किया होता तो करोड़ों लोग यहाँ पर मरे होते, काल कलवित हुए होते। या आप देख लीजिए, सेना का मनोबल बढ़ाने का कार्य, इसके पहले भी सेना हुआ करती थी, सरकारें हुआ करती थी, हमारी देश की सेना ने 1971 में पाकिस्तान से युद्ध जीता और उनके 93,000 सैनिकों को युद्धबंदी बनाया। सेना युद्ध जीतती थी मैदान में, लेकिन कांग्रेस कागज पर हार जाती थी। मुझे लगता है कि यह पहली सरकार है जिसमें सेना का भी मनोबल बढ़ा है कि चाइना जो इसके पहले जब भी भारत पर हमला करता था तो कुछ ना कुछ लेकर जाता था, ये पहली बार हुआ है कि चाइना को अपने कदम पीछे नहीं, बहुत पीछे खींचने पड़े हैं, और हमारी इस भारत की सेना ने यह दिखा दिया कि हमारे अंदर शौर्य है। और पहली बार भारतीय सेना को यह महसूस हो रहा है कि जो इस समय सरकार पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो सरकार निश्चित तौर पर सेना का मनोबल, किसानों का मनोबल, व्यापारियों का मनोबल, शिक्षक का मनोबल, वकील का मनोबल, हमारे शिक्षार्थी जो विद्यार्थी हैं, जो नौजवान हैं, सबका मनोबल बढ़ाने का कार्य कर रही है। और विरोधियों का काम है कुछ करना, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, जब ट्विटर पे चल रहा है, कृषि बिल जो इस समय सदन में पास हुआ, मुझे तो लगता है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कभी भी गरीबों के विरोध में, किसानों के विरोध में, व्यापारियों के विरोध में, भारत के जन जन के विरोध में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे भारत के जन जन को कोई भी नुकसान हो। और कृषि बिल का समर्थन आज अमेरिका ने भी किया है कि यह कृषि बिल वाकई में किसानों के आय को दोगुना करने वाला यह कृषि बिल है। अब विपक्ष का काम है चिल्लाना,
विपक्ष तो आज जाके वहाँ पर बवाल करा रहा है, किसान और जो भी धरने पर बैठे हैं लगता है कि किसान नहीं। हम लोग देख रहे हैं ना, दो प्रदेशों को छोड़ के पूरे भारत में कहीं के किसान आके धरना में शामिल नहीं है। जो भी है ये वही लोग हैं जो किसान, ये बिचौलिए हैं जो किसानों का जमीन, किसानों का अनाज औने पौने दामों पर ले लिया करते थे, ये वही बिचौलिए हैं, न कि इसमें एक भी किसान है। अगर किसान, कोई भी किसान ढाई महीना अपना खेती छोड़ के जाके धरने पर नहीं बैठ सकता है। और ये जो किसान बैठे हैं, जो तथाकथित बैठा कर, अगर हमारे मजदूर भाई हैं चाहे गरीब भाई हैं, सबके वहाँ महीने में दो बार अनाज देने का काम भारत सरकार ने किया है। और जो आज बजट पास हुआ है, अगर दूसरी सरकारें रहती तो मुझे लगता है कि जनता के ऊपर टैक्स थोप दिया गया होता। लेकिन आज बजट भी पास हुआ, इतना विषम परिस्थिति में बजट हमारा पास हुआ, लेकिन वो भी पूरे देश हित में है, राष्ट्र हित में है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जनता को जवाब देना है और जनता जवाब दे रही है, इनको जवाब मिल रहा है। धन्यवाद। बात करने के लिए थे हमारे साथ विनय जायसवाल, चेयरमैन नगर पालिका परिषद पटरौना। इनका कहना है कि जनता समझ चुकी है 135 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी सरकार नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती है प्रधानमंत्री के रूप में। ये हमारा सर्वे भी कहता है कि अगली सरकार, अगर ये चुनाव होते हैं आम चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार मुफ्त बहुपूर्ण बहुमत से बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार और चुन ले जाएंगे। अब आम जनता का विश्वास कितना अटल होगा और प्रधानमंत्री मोदी कितना और विकास कर पाएंगे इस देश का, ये देखना बाकी रह गया है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए गुड फ्लाइव के साथ। मैं हूँ अनुराग मिश्रा, शुक्रिया।